गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी स्वावलंबी भारत अभियान। 9 दिसंबर को मोहम्मदाबाद में होगा रोजगार मेले का आयोजन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर स्वावलंबी भारत अभियान जिसके द्वारा एक रोजगार मेले का आयोजन 9 दिसंबर को मोहम्मदाबाद के अस्त शहीद इंटर कॉलेज में बाबू गेनू स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व भाजपा नेता नरेंद्रनाथ सिंह के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए 20 से अधिक कंपनियां 1200 से अधिक नियुक्तियां लेकर आ रही है, जिसमें L&T, टाटा मोटर्स, मारुति बजाज, हीरो लव आदि कंपनी आ रही है, जिसके लिए उन्होंने गाजीपुर के युवाओं से निवेदन किया है कि जिन्होंने टेक्निकल कोर्स किया हो वह अपने योग्यता अनुसार प्रमाण पत्र लेकर आए और नौकरियों में चयनित होकर बेहद रोजगार मेले को सफल बनाए। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले के मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह, जो जल शक्ति एवं सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है, उनकी उपस्थिति रहेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जो है स्वावलंबी भारत अभियान, स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से युवाओं को स्वदेशी कंपनियों में जो है कैसे रोजगार मिले, और वह रोजगार मेला, बृहत रोजगार मेला आयोजित किया गया है 9 दिसंबर को नेशनल अष्ट शहीद नेशनल इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में यह आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन श्री स्वतंत्रदेव सिंह जी, जल और सिंचाई मंत्री, उसका उद्घाटन करेंगे। हम नौजवानों को जो वहां कंपनियां उपस्थित होंगी उनमें जो है उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और उसमें उनको जैसे L&T, टाटा मोटर, मारुति बजाज, हीरो लावा आदि कंपनियां आ रही हैं, जिनमें हमारा अंदाज है कि 1.5 से 2 हजार बच्चे जो हैं तत्काल उनको जो है उसमें समायोजित किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना है। Thank you.